हेलो फ्रेंड, आप सभी का रिटायर्ड के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। दोस्तों, टॉपिक चालू करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं अपने टॉपिक को हाउ टू अचीव गुड मार्क्स। तो मार्क्स दोस्तों, मार्क्स तो क्वेश्चंस के आंसर देने से मिलते हैं और आंसर कैसे देने हैं आज हम इसके बारे में जानते हैं। पहले तो ये जान लें कि एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट का हो, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं, घबराना नहीं है उससे। उसके बाद उस टॉपिक से उस जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिविजन कर ले ताकि उस टॉपिक से आने वाले सारा क्वेश्चंस आसानी से बन जाए और क्वेश्चन छूटने की और गलत होने की कहीं गुंजाइश ना हो। क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत होंगे तो मार्क्स डिडक्ट होगा, मार्क्स डिडक्ट हुआ तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे दोस्तों। तो देखेंगे कि टॉपिक तो रिवीजन कर लिए, रिवीजन करने के बाद एग्जाम में कैसे लिखना है तो जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो उस क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और भी बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। तो देखेंगे कि आपको पहले तो डिसाइड करना है कि किस सेक्शन से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। जिस सेक्शन से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से सॉल्व कर पा रहे हैं उस सेक्शन को पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस सेक्शन से बनने वाले सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना लेंगे। दोस्तों ये भी बता दें कि क्वेश्चन तो बनाना है लेकिन एक गलती बहुत भारी पड़ सकता है, यानी कि क्वेश्चंस के आंसर्स आंसर पेपर में लिखने से पहले उसमें जितने भी क्रीडेंशियल्स भरने हैं उसको देखते हुए अच्छे तरीके से भरेंगे। नाम है, रोल नंबर है, डेट है, सेट है, क्वेश्चंस पेपर का कोड है, ये सारे को अच्छे तरीके से भर लेंगे। उसके बाद सेक्शन सिलेक्ट कर लिए, सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आप क्वेश्चंस को बनाए। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उस क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए लिखना है। अब उनका क्या जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उस क्वेश्चंस के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखेंगे क्वेश्चंस पहले बोलते क्या है, पहले इसको समझने की बार बार कोशिश कर लेंगे और उससे संबंधित जितने भी आइडिया आपके पास आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं, तो जितने भी आप उस क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में क्लिक कर सकते हैं उसको कलेक्ट कर ले और उसको एक सिस्टमेटिक पैटर्न्स के अनुसार उस जो क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चंस के सिस्टमेटिक पैटर्न के अनुसार आंसर बुक में उसको लिख दे ताकि जब एग्जामिनर उसे चेक करे तो उन्हें यह ना लगे कि ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं है और ये गलत है। क्योंकि दोस्तों देखेंगे जो करेक्शंस होते हैं कभी भी, तो हम लोग जानते हैं कि करेक्शंस हमेशा क्वेश्चंस को देखते हुए होते हैं, मार्किंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं सारे क्वेश्चंस के, तो इस तरीके से उसको फिलअप करेंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर को आंसर बुक में फिल करेंगे ताकि कोई क्वेश्चंस गलत ना हो। हाँ, जो क्वेश्चन आते नहीं है वो क्वेश्चन गलत तो होंगे लेकिन टोटल मार्क्स नहीं कटेगा। आप अगर ऐसे सोचते हुए सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए लिखते हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स उस पे भी अचीव होने का संभावना है। इस तरीके से आप जो आ रहे हैं उसके तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनके भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस सब को ध्यान में रखते हुए आप अभी से तैयारी में लग जाए क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन अपकमिंग है। आपके मार्च के फर्स्ट वीक से सीबीएसई के एग्जाम चालू हो जाएंगे। अभी एक से दो दिन के अंदर आपको बिहार बोर्ड के 10th के एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगे। तो अभी और भी वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूंगा, इसलिए अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं वापस से बोल रहा हूं कि जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।